नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, BPSC, EMRS, NVS, KVS, MPPSC, RPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे पेपर सॉल्यूशंस, कई सारी थ्योरी क्लासेस आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी है, ताकि सभी जगह आप सभी चीज़ें आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा कई सारी म्यूज़िक वैकेंसीज जो आती हैं ऑल ओवर इंडिया से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आपके प्राइवेट वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा बताई जाती है। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं और हर चीज़ आपको अच्छी लगे और दिल से आवाज़ आए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खासकर शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। अब जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 6 है। अगर इसके पहले के आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 5 तक मैंने करा दिया है और हर बार हम कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। जैसे हमने अभी पिछले ही मॉक टेस्ट में करा है, स्पेशल ऑन संगीत अवार्ड्स पे हमने पूरा मॉक टेस्ट करा था। इसके अलावा फिर हमने उसके पहले करा था कि स्पेशल ऑन आपके उपनाम, जो संगीत के कलाकार के उपनाम होते हैं, उन पर हमने एक मॉक टेस्ट लिया था। और आज हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो सबसे यूनिक है और बहुत कम पढ़ाया गया है। यूट्यूब पे भी इसके प्रश्न काफ़ी कम मिलेंगे आपको। तो ये टॉपिक है आपका रविंद्र संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ इस मॉक टेस्ट में। तो ये मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा ये बैचेस शुरू की गई थी, जिसको काफ़ी समय हो गया है। तो ये बैचेस आपकी हर वीक 3 क्लासेस होती है इसमें, और आपका हर वीक एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और आपको सारी रिकॉर्डिंग्स, साथ ही साथ PDF और स्टडी मटेरियल, ये सब इस बैच में मिलने वाला है। तो इसकी जो प्राइस है आपकी 600 रुपीज़ है। और अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि BPSC का सेकंड फेज का एग्ज़ाम आ चुका है, PGT TGT लेवल का, तो उसकी भी तैयारी इस बैच में करवाई जा रही है। तो अगर आप इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके BPSC, EMRS, DSSB, UGC नेट, सारी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और बहुत धुआंधार तरीके से करवाया जा रहा है। तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पे हर वीक मिलेगी, हर वीक वो 3 क्लास देखिए, और इस 3 क्लास से आप ये 6 क्लास मिला के आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। और 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जॉब 100% लगेगी अगर आप ये बैचेस लेते हैं तो। काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप MPTET के स्टूडेंट्स हैं, तो MPTET के लिए भी काफ़ी पहले ये कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसमें ये मात्र 1250 रुपीज़ का है। इसमें आपको 1.5 मंथ की नहीं, अब 3 मंथ की क्लासेस मिलने वाली, यानी इसको 1.5 मंथ और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं और अभी से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, एग्ज़ाम तो आपकी नेक्स्ट ईयर ही होना है, लेकिन अभी से अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। आपको परचेस करने के लिए या रजिस्टर्ड होने के लिए ये जो मेरा नंबर है, इसी पे आपको कांटेक्ट करना है, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, अब जो हमारा आज मेन वीडियो का जो मोटिव है वो है आपका रविंद्र संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मॉक टेस्ट नंबर आपका 6 है। तो ये हम करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि रविंद्र संगीत पर आधारित प्रश्न उत्तर, तो ये पूरे सारे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त हुआ है? तो सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला था, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें हम इनके बारे में बात करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, इनका जन्म हुआ है 1861 में, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान, तो 1861 में इनका जन्म हुआ है आपका। और इसके बाद की हम अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो आपके हैं,
इन्होंने सबसे बड़ा श्रेय इनको ही जाता है रविंद्र संगीत का, क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्थापना की है। ये आप प्रभावित हुए थे, किनसे प्रभावित हुए थे आपके, ये प्रभावित हुए थे आपके द्रुपद के विष्णुपुर घराने से ये प्रभावित हुए थे, और इन्होंने फिर उसके बाद रविंद्र संगीत की नींव रखी थी, और इनके पूरे परिवार ने संगीत को सीखा है, समझा है, और बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे संगीत जगत को। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इनसे। और आपके इनके पिता का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। और इनके बारे में अगर चर्चा करें हम, तो आपके जनगणमना जो आपका राष्ट्रीय गान है वो भी इन्हीं की देन है, इन्होंने ही उसको लिखा था। तो ये सब आप याद रखिए। अगर यादव भट्ट की बात करें तो ये इनके गुरु रहे हैं, इनके मेन गुरु विष्णु शास्त्री रहे हैं, और उसके बाद द्रुपद गायक थे विष्णु शास्त्री जी, और यादव भट्ट जी फिर इनके गुरु रहे हैं। और विलायत खां साहब के बारे में सभी जानते हैं कि सितार वादक हमारे विलायत खां। आगे सुरेंद्र मोहन ठाकुर भी एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी सबसे बुक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपकी यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। तो ये भी आप नोट करते चलिए, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट चलते हम, बांग्ला कीर्तन के कितने अंग होते हैं? तो बांग्ला कीर्तन के आपके 5 अंग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रविंद्रनाथ ने अधिकांश गीत किस राग में लिखे हैं? तो अधिकांश गीत इन्होंने भैरवी में लिखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बांग्ला कीर्तन की प्रमुख शैलियाँ कितनी मानी गई हैं? तो बांग्ला कीर्तन की प्रमुख शैलियाँ 3 मानी गई हैं। रूपकड़ा ताल के विभाग होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 2 3। ये आपका मात्रा का चलन होता है, यानी पहले विभाग में 3 होती है, दूसरे विभाग में 2, और तीसरे विभाग में 3 होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितनी? 8 मात्रा होती है आपके रूपकड़ा ताल में, और ये रूपकड़ा ताल आपके रविंद्र संगीत का ताल है। तो ये आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन काल है, तो हमने शुरू में ही चर्चा कर ली कि 1861 में जन्म हुआ था इनका, और 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। रविंद्रनाथ जी के संगीत की स्वरलिपि मुख्य रूप से किसने की है? तो यह आपके की है दीनेन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर की मृत्यु के उपरांत संगीत चिंता नामक सुक्ति संग्रह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो यह आपके हुआ था 1966 में। तो यह आप याद रखिएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनकी मृत्यु के बाद, यानी 1941 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद एकमात्र यही ऐसा ग्रंथ है जो प्रकाशित हुआ था रविंद्र संगीत में, संगीत चिंता ग्रंथ। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्मीकि प्रतिभा नामक गीति नाट्य रविंद्रनाथ ने किस वर्ष में लिखा और मंचन करवाया था? तो ये इन्होंने 1881 में मंचन करवाया था। तो यह आप याद रखिएगा। 1882 में एक संध्या संगीत करके भी इन्होंने लॉन्च करा था। तो ये सब जो है ये आपके रविंद्र संगीत के ग्रंथ है, तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से गीत वितान का गीत कौन सा है? तो यह आपका है जोदी तोर डाक सुने केयू ना आसे, यह आपका है गीत वितान का गीत। नेक्स्ट है आपका, रविंद्र संगीत किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपके है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने फाल्गुनी किसे समर्पित किया है? अब ये फाल्गुनी क्या है? तो फाल्गुनी इनकी कविता गीत है, तो ये इन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर के लिए समर्पित किया था। और ये इन्होंने आपके, अभी इसका सन मैं आपको बताता हूँ। रविंद्र संगीत के स्रोत हैं राग और लोक संगीत, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1882 में टैगोर की रचना और उसके मंचन के लिए विख्यात है? तो ये आपके है काल मृग्या, ये आपके विख्यात है
1882 की जो रचना है कालमृगया। अब इसमें वाल्मीकि प्रतिभा जो है अभी हमने पढ़ा था, तो ये आपके 1881 में ये रचित थी और ये सबसे पहला रविंद्र संगीत की मतलब कृति है। ये जितनी भी हैं ये आपके रविंद्र संगीत की बुकें हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ये ग्रंथ है आपके रविंद्र संगीत के। मायार खेला की बात करें तो ये भी आपका रविंद्र संगीत ग्रंथ है जो कि आपके 1888 में लिखा गया है। सन ऑन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आप, याद रखिएगा। फाल्गुनी की हम ऊपर बात कर रहे थे तो ये आया है 1916 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1916 में फाल्गुनी जो है वो आया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कालमृगया हो जाएगा। और अब इस हमारे मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट काफ़ी छोटा था क्योंकि रविंद्र संगीत पर आधारित था, तो हमको सिर्फ बेसिक जानकारियाँ इसमें पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें से, बस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कभी टफ पेपर बनता है तो फिर ये रविंद्र संगीत को भी उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। अभी हमने जब DSSB के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करे थे तो उसमें कई क्वेश्चन आपके दक्षिण के उन्होंने ग्रंथ पूछ लिए थे, जबकि दक्षिण का ऐसा कुछ मतलब इतने नहीं पूछे जा सकते, तो ये भी हमको देखने को मिला। तो अब यहाँ पे रविंद्र संगीत का भी हमको ये हो सकता है कि देखने को मिले, तो इसलिए हर एग्ज़ाम के लिए थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ को किस वर्ष में मिला, तो ये इनको मिला 1913 में, तो ये सब आप याद रखिएगा। फिर आपके जैसे दो नाम हो रहे, द्विजेंद्रनाथ और ज्योतेंद्रनाथ, ये दो नाम ऐसे हैं कि इनका संबंध किससे है, आकार मात्रिक स्वर लिपि से इनका संबंध है। अब आकार मात्रिक स्वर लिपि क्या है, जो आपके रविंद्र संगीत में उपयोग होने वाली स्वर लिपि है उसको ही क्या कहते हैं, आकार मात्रिक स्वर लिपि कहते हैं। तो द्विजेंद्रनाथ जो हैं ये इसके उद्भावक हैं, यानी कि इसको प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनको जाता है, और ज्योतेंद्रनाथ जो हैं आपके इसके प्रवर्तक हैं। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर रखनी है। ज्योतेंद्रनाथ जो हैं आकार मात्रिक स्वर लिपि के प्रवर्तक हैं, और द्विजेंद्रनाथ ने इसके उद्भावक हैं, यानी इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। तो ये आपके रविंद्र संगीत का सारा कुछ था। और भी इसमें हम अगर अभी जैसे अभी तो हम कुछ ऐसे पेपर जो मेरे पास गिने चुने ऐसे पड़े हुए हैं शॉर्ट, तो वो हम कर रहे हैं, किसी में 15 क्वेश्चन है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 40 है, किसी में 45 है, किसी में 50 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं और सब एक टॉपिक पे आधारित है। अभी जैसे कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपके कलाकारों के ऊपर प्रश्न होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर किसी में कुछ अलग प्रश्न होंगे, ताल के ऊपर है, किसी में राग के ऊपर है, तो इस प्रकार के प्रश्न हम कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें मैं अलग से मॉक टेस्ट बनाऊंगा, फिर मैं आपको इसमें अलग से मैं आपका रविंद्र संगीत का और एक करवाने वाला हूँ, तो उसमें आपका और बढ़िया हो जाएगा, इसमें कई दिक्कत नहीं आनी है। और इस पर एक थ्योरी क्लास भी मैं आगे चल के एक दो थ्योरी क्लास भी ले लूँगा, तो आपका बढ़िया काम इसमें हो जाएगा, इन्हें रविंद्र संगीत पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, मॉक टेस्ट नंबर 6 जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 6, पूरा रविंद्र संगीत पे था। अब आगे भी इसी तरीके से मैंने कहा था आपसे कि अब रेगुलर में कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं आपके रेगुलर हर वीक में तीन मॉक टेस्ट लाऊं। अब जैसे इस वीक आपके दो ही मॉक टेस्ट हो पाए टाइम शेड्यूल के कारण, तो अगले वीक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट करूं, एक इस वीक का और जो 3 भी उस वीक के रहेंगे तो वो तो रहेंगे ही सही, तो 3 और 1 ये टोटल आपके 4 मॉक टेस्ट में अगले वीक में कंप्लीट करूँगा। तो इस प्रकार से आपका ये चलेगा। जो ये सवाल उठाते हैं कि सर सिर्फ बैचेस में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी वही मायने रखते हैं जो मेरे बैचेस के स्टूडेंट हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नीड है तो आप बैचेस लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ कि बैचेस में बस यही फ़ायदा होता है आपको कि 3 की जगह आप 6 क्लासेस पढ़ते हैं, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है। और उसमें जो फीस ली जाती है उसमें मैं 1 रुपया भी आपसे ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, जो आपके PDF और ये सब जो
मेहनत लगती है, पीडीएफ टेस्ट बनाने की जो मेहनत लगती है उसमें काफ़ी समय जाता है, मेहनत लगती है, तो उसका थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है वो मैं आपसे ले रहा हूँ। बाकी आप दूसरी क्लासेस देखिए कि क्या चार्ज कर रहे हैं। तो ये सब है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नीड हो तो आप ये बैचेस ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब से पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। आप मेरे सारे पेपर सॉल्यूशन, मेरी सारी जितनी भी क्लासेस हैं थ्योरी क्लासेस, वो सब देखिए जाके, और सारे मॉक टेस्ट देखिए, जितनी भी मैं वैकेंसीज लाता हूँ वो सब देखिए। और हाँ, एक चीज़ और कि टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे भी आप जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली आपको 5 MCQ कराए जाएंगे, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकेगी। तो आपको उससे भी जुड़ जाइए। तो अब यहाँ पे हम यहीं वाइंड अप करते हैं वीडियो को। तो आपको सारी चीज़ें अगर अच्छी लगें और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।